अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ चैप्टर नंबर 3। एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग अबाउट MS वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो टूडेज टॉपिक्स आर इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, that how can we insert and edit text in a document, and this will also include the selection of text in a document, the procedure for copying and moving the text, whether it's the same document or a different document, okay, or a same place or different place, and how text can be deleted in our document, how can we delete a text, right? So these topics will teach you about editing and about inserting text in MS Word. So students, this is your MS Word window, and I have opened, or I am going to create a new document in front of you, and you are watching here the MS window. This is the bar you are seeing here. This is basically a pointer, right? This is pointer or cursor. You can say it cursor and you can also say it pointer. So I'm going to insert a text here. Like I have written a word being here. Being a Muslim. तो ये स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट को इंसर्ट कर रही हूँ, और आप डिफरेंट जगह से भी आप टेक्स्ट को की इंसर्शन कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। किस तरीके से? बाय जस्ट डबल क्लिकिंग द कर्सर एट एनी पॉइंट। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, मेरा कर्सर यहाँ पर मूव कर गया, तो मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट स्टार्ट कर सकती हूँ, राइट? अगर मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, तो ये भी मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट जो है वो राइट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट से इंसर्शन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन टाइप इट यूजिंग द कीबोर्ड। द टेक्स्ट विल अपीयर एट द इंसर्शन पॉइंट। जहाँ पे भी आपने इंसर्शन पॉइंट अपना रखा है, अपना कर्सर पॉइंटर जहाँ पे रखा है, वहीं से आपका टेक्स्ट जो है वो राइट होना या फिर इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो and you don't need to press the enter key at the end of the line, because जैसे ही आप राइट मार्जिन पर जाते हैं तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज हैं हम यूज़ करते हैं फॉर मूविंग आवर कर्सर, फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर कर्सर, दैट हैव बीन मैंशन ऑन योर बुक पेज नंबर 73 पे आपके पास कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं फॉर द मोमेंट ऑफ कर्सर जो आप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको उसमें एडिटिंग करना बताऊँगी। आई होप कि आपको इंसर्शन समझ आ गई होगी कि जस्ट सिंपली आपने क्या करना होता है, अपने पॉइंटर को जहाँ से आपने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है वहीं पर जाके डबल क्लिक कर देना होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दो पैराग्राफ्स टाइप किए हैं। सो अब इसमें जो इंसर्शन पॉइंट है, जो इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं, वो आपको मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करके बताऊँगी कि किस तरीके से वो वर्क करती हैं। सो शॉर्टकट की फॉर बिगनिंग, फॉर मूव द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। कि लेट्स सपोज ये आप कर्सर देख रहे हैं, ये डिस्प्लेजिंग पे, विच आर डिस्प्लेजिंग टू अल्लाह, यहाँ पर कर्सर है। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ द लाइन पे मैं अपने कर्सर को डायरेक्टली कैसे मूव कर सकती हूँ, यहाँ पे भी मूव कर सकती हूँ, जिस करंट लाइन पे आप हैं यहाँ से इस तरीके से बाय क्लिकिंग भी मूव कर सकती हूँ, बट जो इसकी की है वो कौन सी है, होम की। आई वॉन्ट टू शो यू हेयर द होम की, दिस इज़ बेसिकली द होम की। ठीक है, ये होम की है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, जो कर्सर होगा वो मूव कर जाएगा उसी करंट की
जो है वो बिल्कुल स्टार्ट लाइन पे, लाइक मैंने ये प्रेस कर दिया तो ये क्या हो गया, अवे पे आ गया। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको विच पे यहाँ पे कर्सर रखती हूँ, मैं होम की प्रेस कर रही हूँ तो ये अवे, बिल्कुल जो स्टार्ट है लाइन का वहाँ पे आ गया। और इसी तरीके से अगर आप उसी लाइन के एंड पे अपने कर्सर को या फिर अपने इंसर्शन पॉइंट को या फिर अपने पॉइंटर को मूव करना चाहें, तो आप होम की के साथ एक की होती है जिसको हम एंड की कहते हैं, तो आप उसको प्रेस करेंगे। ये होम की थी एंड दिस वन इज़ एंड की, तो मैंने इसको जब प्रेस किया तो उसी लाइन के बिल्कुल एंड पे मेरा पॉइंटर मूव हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको मूव कर रही हूँ, ये आपके पास लाइन है आर पेशेंस, यहाँ पे मैं मूव कर रही हूँ, एंड की मैंने प्रेस की तो ये बिल्कुल उस लाइन के लास्ट पे मूव हो गया कर्सर, एंड होम की प्रेस की तो मैंने उसके क्या हो गया, स्टार्ट पे उस लाइन के आ गया। और अगर आप जो है वो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं एंड यू वॉन्ट टू मूव योर कर्सर एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, अगर आप उसको बिल्कुल जहाँ से आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ है वहाँ पे अपने कर्सर को मूव करना चाहते हैं, तो आप यूज़ करेंगे की कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपकी की जो है वो कम्बिनेशन बना रही होती है कंट्रोल और होम का, तो आपने वो प्रेस करना है, तो तब आपके पास कर्सर विल मूव एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, आई एम गोइंग टू मूव माय कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द और एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, आई विल प्रेस कंट्रोल प्लस होम। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका कर्सर जो है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गया है, मूव कर गया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको करके बताती हूँ कि यहाँ पे विच आर, यहाँ पे मैंने इसको मूव किया है, तो अब जब मैं कंट्रोल होम प्रेस करूँगी तो वो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गया, राइट। और इसी तरीके से जब मैं कंट्रोल एंड प्रेस करूँगी तो वो किधर आ गया, आपके बिल्कुल एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप गया। लाइक यहाँ पे अगर मैं इसको रख रही हूँ तो जैसे ही मैं इसको मूव करूँगी, जैसे ही मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल एंड, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट के एंड पे मूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर डन विद द इंसर्शन हियर एंड नाउ मूव टू द एडिटिंग। अब एडिटिंग में आपके पास सबसे पहली चीज़ आती है सिलेक्शन, कि आप अपने कैरेक्टर्स की, अपने सेंटेंस की, अपने वर्ड की, अपने पैराग्राफ की, अपने डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं। अगर मैंने सिंगल वर्ड अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो मैं सिंपली उसको डबल क्लिक करूँगी, ठीक है, तो ये बींग, बींग एक वर्ड है सिंगल जिसको डबल क्लिक करने से वो सिलेक्ट हो गया। अगर मैंने ये पूरी लाइन, पूरा सेंटेंस, पूरी लाइन जिस तरीके से अगर मैं सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली उसको ड्रैग करके उस पॉइंट तक ले जाऊँगी जहाँ तक मैंने उसको सेलेक्ट करना है। टू लाइंस भी हो सकती हैं, थ्री लाइंस भी, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने पूरा पैराग्राफ करना है तो आप पूरे पैराग्राफ तक ले जाएंगे, अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट करना है तो आप इसी तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट तक उसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। एंड इसी तरीके से मूव आप किस तरीके से करते हैं, कॉपी, कॉपी। और अगर आपने अनसेलेक्ट करना होगा, सिंपली आप साइड पे डॉक्यूमेंट के जहाँ पे आपके पास नहीं लिखा हुआ वहाँ पे आप टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं अब यहाँ पे इसको कॉपी कर रही हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने ये वाला जो पैराग्राफ है ये मैंने कॉपी करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेलेक्ट दिस पैराग्राफ। सो ये पैराग्राफ मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी, मेरे पास यहाँ पे कट कॉपी के ऑप्शंस है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, आपके पास होम टैब में ही कट कॉपी के ऑप्शंस मौजूद हैं, शॉर्टकट कीज मौजूद हैं, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फॉर कट वी यूज़ अ शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स, एंड फॉर कॉपी वी यूज़ द कमांड कंट्रोल सी, एंड फॉर पेस्टिंग समथिंग सम टेक्स्ट यू यूज़ कंट्रोल पी, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हेयर। मैंने यहाँ पे जहाँ पे भी आप जिस लोकेशन पे भी उसको पेस्ट करना चाहते हैं, सिंपली वहाँ पे जाके अपना इंसर्शन पॉइंट मूव करेंगे, अपना कर्सर मूव करेंगे, और उसके बाद जहाँ यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और ये पेस्ट टेक्स्ट आ गया आपके पास, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरे पास वही पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी हो गया।
अब कॉपी जब आप करते हैं, कॉपी और कट में क्या डिफरेंस होता है? जब आप कॉपी करते हैं तो आपके पास ओरिजिनल प्लेस पे भी रहता है और जो न्यूज़ लोकेशन होती है वहाँ पे भी वो चीज़ रहती है। अब जैसे कि मैं अब इस पैराग्राफ को कट करती हूँ, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं इस पैराग्राफ को क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कट का ऑप्शन चूज़ किया। अब यहाँ से कट हो गया मीन्स डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देती हूँ तो वो वहाँ पे कट से क्या होता है, जो आपकी ओरिजिनल लोकेशन होती है वहाँ पे वो चीज़ नहीं रहती बल्कि न्यू लोकेशन पे आ जाती है, ठीक है। तो मोस्टली जो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा जो ऑप्शन है वो हमारे पास कॉपी का होता है कि आपके पास ओरिजिनल लोकेशन और न्यू लोकेशन दोनों में वो चीज़ मौजूद होती है, जबकि जो कट होता है वहाँ पे आपके पास ओरिजिनल लोकेशन पे वो चीज़ मौजूद नहीं रहती बल्कि वहाँ से रिमूव हो जाती है, राइट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग इज़ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिलीटिंग द टेक्स्ट एंड हाउ कैन वी डिलीट अ टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। आप किस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं कि सिंपली लेट सपोज मैंने ये वाला पैराग्राफ जो है ये डिलीट करना है या फिर ये टू टाइम्स है, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सिलेक्ट दिस पैराग्राफ। मैंने यहाँ से सिलेक्शन का बिल्कुल वही तरीका है जो हमने पहले किया था, ड्रैगिंग से। ड्रैग कमांड्स भी होती हैं यूज़ करने के लिए, बट ड्रैगिंग इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे ऑफ सिलेक्टिंग द टेक्स्ट। तो ड्रैगिंग क्या होती है कि ड्रैग करने से आप होल्ड करी रखती हैं लेफ्ट क्लिक बटन को एंड आप साथ उसको जो है वो ड्रैग करते रहते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड आई विल सिंपली प्रेस द डिलीट की टू डिलीट दिस पैराग्राफ। सो डिलीट की इज़ हियर, ये आपके पास है डिलीट की एंड आई विल सिंपली प्रेस इट टू डिलीट माई पैराग्राफ एंड आई हैव प्रेस द पैराग्राफ इज़ डिलीटेड हियर। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी एंड आई होप यू विल डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज प्रैक्टिकल्स सो दैट यू कैन लर्न समथिंग ऑफ MS Word. ओके, योर डायरी इज़ टू लर्न दीज टॉपिक्स फ्रॉम योर बुक, ठीक है। वहाँ पर आपके पास शॉर्टकट कीज हैं वो आपने वहाँ से याद करनी है एंड जो भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क फ्रीली। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।